हेलो एवरीवन, नाउ वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो प्रिज्मा 3D के अंदर। एक ऐसा एनिमेशन सॉफ्टवेयर है जिसमें आप एंड्रॉइड फोन में ही एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो, 3D या 2D कोई भी एनिमेशन वीडियो क्रिएट कर सकते हो। मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि सर मेरा जो टेक्सचर वो ऐड नहीं हो पा रहा है इस ऐप के अंदर, सो आप इसका सोल्यूशन लेकर आओ। तो मैं ये खास आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ, तो टेक्सचर ऐड करना सिखाऊंगा कैसे आप टेक्सचर ऐड कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, एक भी स्टेप मिस मत करना, क्योंकि अगर आप एक भी स्टेप मिस कर दोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस समय मैं कौन सा वर्जन यूज कर रहा हूँ। तो ये है प्रिज्मा 3D वर्जन 2.0 बीटा वर्जन 6। ये अभी का वर्जन है जो अपडेटेड न्यू वर्जन आया है। इसको मैं इस्तेमाल कर रहा था, इसमें देख रहा था कि कौन कौन से फीचर इसमें ऐड किए गए, कौन कौन से फीचर जो है इसमें इन्वॉल्व किए गए। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, तो आप चाहो तो उधर से जाके देख सकते हो, या मैं इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसमें डे नाइट का फंक्शन दिया गया है। एक काम करते हैं, हम एक फाइल को इम्पोर्ट करके आपको दिखा देते हैं, एक कैरेक्टर का हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। उधर से आपको दिखाऊंगा इसमें क्या क्या और चीजें हैं जो ऐड किए गए हैं। सो सिंपल अभी मैं वैसे बेसिक दिखा रहा हूं, उसके बाद टॉपिक पे दिखाएंगे। देखो ये टेक्सचर आ चुका है। मैं यार अभी नाइट वाला था, ये हो गया डे वाला। इसमें आपको डे नाइट का फंक्शन दिख जाता है जो कि बहुत ही ऑसम है। डाउनलोड कर लेते हैं अपने बीटा वर्जन 5 को, तो ये मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो इधर से हम इन्फो पे आपको दिखा देते हैं पहले ये कौन सा वर्जन है। तो प्रिज्मा 3D वर्जन 2.0 बीटा वर्जन 5, जो कि मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया कि इस वर्जन में नहीं चल रहा है, सो मैं इसीलिए इस वर्जन में ये वीडियो लेकर आया हूं। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हो तो कमेंट में बता देना आपको कुछ समझ आया कि नहीं, इसमें आपको पता चला कि नहीं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली इससे कि नहीं, आपके काम आ रहा है कि नहीं। एक फाइल को हम इंपोर्ट कर लेते हैं, मोटो का फाइल है, काफी फनी कार्टून है। इधर आप ये भी कार्टून एनिमेट कर सकते हो, इस मॉडल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो इसका यूज कर सकते हो, फ्री है, कोई पासवर्ड नहीं लगेगा। तो इसमें आपको इधर से दबा के किसी भी टेक्सचर पे दबा के मटेरियल पे जाके टेक्सचर पे दबा देना है, उधर से आपको एक प्लस वाला ऑप्शन आएगा, फिर आपका फाइल और गैलरी दो ऑप्शन आ जाते हैं। इधर सेव किया हो उधर आपको क्लिक करना है, तो मैंने फाइल वाले में सेव किया था, तो इधर से डायरेक्ट फोटो उठा लेते हैं। टेक्सचर ऐड हो चुका है यार, सिंपल है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक काम करते हैं, एक और हम ऐड करके दिखा देते हैं, ठीक है, वो भी आसान है यार, कुछ नहीं होता इसमें, ज्यादा मत्था मारने की जरूरत नहीं। अगर आप स्टार्टिंग में यूज करते हो तब हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो, नहीं तो दिक्कत नहीं होती है। तो इधर से हम एक और फाइल को उठा लेते हैं, इस बार हम फ्री फायर के एक करेक्टर को उठाएंगे, सोर्स पे जाके FBX फाइल को इम्पोर्ट कर लेंगे। FBX OBG GLTF फाइल इम्पोर्ट हो जाता है, तो इधर से इसके बॉडी वाले टेक्सचर पे ऐड करेंगे, मटेरियल टेक्सचर प्लस, अब फाइल में जाके हो जहाँ पर मैंने सेव किया हो वहाँ से उठा लेता हूँ। तो ये बॉडी वाला टेक्सचर है, तो ये रहा अपना टेक्सचर, इसको हम उठा के इधर कर लेते हैं इंपोर्ट। इसी तरह हम सब में टेक्सचर को ऐड कर लेंगे। अगर आपको अभी मैं मैक्सिमम एनिमेशन का भी दिखाऊंगा कुछ देर में, पहले इसको हम ऐड पूरा खत्म कर लेते हैं कि ये टेक्सचर किस तरह ऐड होता है। सेम प्रोसेस लगता है हर जगह, आपको यही करना है, मटेरियल टेक्सचर प्लस गैलरी वगैरह जहाँ पर आपने सेव किया वहाँ से उठा के सीधा इंपोर्ट। सेम जो है मैक्सिमम एनिमेशन में भी होता है, बस फर्क इतना है कि आप उधर से अगर उठा के लाते हो तो आपका काफ़ी बार होता है एक ग्लिच सा हो जाता है, जो कि अब सॉल्व कर दिया गया है। ये अपडेटेड न्यू वर्जन है, इसे डाउनलोड कर लेना, ठीक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट मैं अपने दूसरे चैनल पे दे दूंगा, क्योंकि यार मोनेटाइजेशन के बाद एक नवा रूल आ चुका है कि अगर आप अपने चैनल पे थर्ड पार्टी ऐप को इन्वॉल्व करते हो तो हो सकता है आपका चैनल बैन हो जाए, इसके लिए टर्मिनेट किया जा सकता है। सो इस चैनल पे नहीं डालूंगा, अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दूंगा वो। इस जो दूसरे चैनल का लिंक है मैं अपने इसी चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, उस चैनल को सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ एक्सपेरिमेंटल चैनल है जिस पर मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ यार, लिंक वगैरह देता रहता हूँ, तो वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना क्या लिंक। बाकी मोटू वगैरह का लिंक तो मैं इसी चैनल पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। ये जो टेक्सचर है बस शूज का वजह इसे भी ऐड कर लेते हैं। सो हमने शूज का टेक्सचर ऐड कर लिया है, अपना जो मॉडल है वो हो चुका है रेडी, टेक्सचर के साथ पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अपनी वीडियो होती है यहीं पर खत्म, पर उससे पहले अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बता देना अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो एनिमेशन से रिलेटेड, मैं उसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।